इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से मिल रही है, जहां भाजपा नेत्री दिव्या चौहान पर दबंगई का आरोप लगा है। दिव्या चौहान सहित 3 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। भाजपा नेत्री के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट, बलवे में हुए केस दर्ज। दरअसल अपनी फॉर्चूनर कार का सौदा कर कार को न देने का आरोप लगाया है, जिसमें 30 लाख में कार का सौदा हुआ था। पीड़ित को न तो रुपए दिए और उसे पिस्टल दिखाकर भगा दिया गया। वहीं पीड़ित का आरोप है कि उसे पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया गया। पूरी दबंगई के बल पर भाजपा नेत्री दिव्या चौहान ने उसके भाई के साथ मिलकर फ्रॉड किया है। आगरा के थाना कनौली क्षेत्र में इसका केस दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप खबर एक्सपर्ट पर देख रहे हो, जहां भाजपा नेत्री दिव्या चौहान पर दबंगई का आरोप लगा है। वहीं पीड़ित का कहना है कि दिव्या चौहान ने धोखाधड़ी करके हमसे पैसे लिए, फिर उसके बाद हम लोगों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है और पूरा अपनी फॉर्चूनर कार को बेचने का सौदा हुआ था, जो कि 30 लाख रुपए का सौदा हुआ। जब पीड़ित ने उसे कार को लेने के लिए कहा, वहीं पीड़ित ने आरोप ये भी लगाया है कि जबरन उस पर सिग्नेचर कराए गए, उसे कार नहीं दी गई और धोखाधड़ी का मामला भाजपा नेत्री का सामने आया है। इसके बाद आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में इसका केस दर्ज हुआ है। एविडेंस के साथ उसने केस दर्ज किया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से देख रहे हो। इस पर पीड़ित का क्या कहना है वो भी सुन लीजिएगा। पीड़ित ने जो आरोप लगाया है, पीड़ित मीडिया के सामने बोलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित के बाद दिव्या चौहान के भाई उपदेश सिंह, पुत्र हरजन सिंह ने आरोप लगाया है कि वो 500-500 के नोट दिखाए लेकिन दिए नहीं और उन्हें कहीं किसी लॉयर कॉलोनी के पीछे ले जाएगा, जहां पर दबंगई से कागजों पर सिग्नेचर कराए। उनका भी एक पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। क्या मामला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान खान। क्या हुआ था आपके साथ? फॉर्चुनर गाड़ी ली थी, उसके साथ धोखाधड़ी। किसकी किसकी फॉर्चुनर गाड़ी थी? किसकी फॉर्चुनर गाड़ी थी? दिव्या चौहान। कितने में खरीदी थी आपने? 30 लाख 25 हज़ार रुपये में। फिर क्या हुआ था? फिर हमें पैसे दे दिए, हमने सारी फॉर्मेलिटी करा ली, पेपर वर्क जो थी वो वहाँ उन्हें घर छोड़ने गए तो वहाँ जाके उन्होंने अंदर ले गए पैसे ले जाके हमने चाबी मांगी, मैं दे दो मैम चाबी कह दिया कि पैसे भी नहीं मिलेंगे, गाड़ी भी नहीं मिलेगी। पैसे कितने लिए थे आप? 27 लाख 25 हज़ार रुपये कैश, 2 लाख रुपये का चेक, 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र पर दिए जाएंगे। 30 लाख 25 हज़ार रुपये का टोटल सौदा हुआ था। फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या घर पर ना गाड़ी दी ना पैसा दिया, धोखाधड़ी से हमें बंदों को बुलवा के पिस्टल दिखाई, पिस्टल डरा धमका के उन्होंने फर्जी साइन कराई, हमारी मारपीट लगाई उन्होंने। वो फिर अब थाने में आए हो क्या? पिस्टल दमका, पुलिस क्या कह रही है? पिस्टल लगा के हमें जान से मारने की धमकी दी गई और पूरे कागज पर साइन मोहर करा लिए। अब पुलिस क्या कह रही है? मैं राजा भगत जी का मर रही है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस जांच कर रही है। आपने तहरी दे दी थाने में? तहरी दे दी। देखिए, थाना खंदौली पर रिहान खान फतेहाबाद रोड के एक व्यक्ति थाना खंदौली पर आया था, जिसने अपनी तहरीर दी कि दिव्या चौहान तथा उसके भाई उपदेश के साथ उन्होंने कोई फॉर्चुनर गाड़ी का सौदा किया था और उसके एवज में उन्होंने उसका पैसा भी उनको दिया, लेकिन उन्होंने फिर ना तो गाड़ी दी और ना तो पैसा दिया और उसके बाद उनसे मारपीट भी की गई। तो थाने पर उनकी जो तहरीर प्राप्त हुई उसके अकॉर्डिंग थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। मुकदमा 323, 504, 420, 406 और 427 और 120 भी और 147 में पंजीकृत किया गया है। जैसे कहा जा रहा है भाजपा नेत्री है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्या नहीं? देखिए, मुकदमा पंजीकृत हो गया है और उसके संदर्भ में विवेचना प्रस्तुत है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी।